राज्यसभा चुनाव के लिए बाड़ेबंदी में रह रहे कांग्रेस और निर्दलीय विधायक जहां अपना समय बिताने के लिए स्पोर्ट्स और योगा का सहारा ले रहे हैं, तो अब वही विधायकों को अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी देने के लिए आज एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत आज जयपुर पहुंची है, जहाँ वे होटल JW में ठहरे कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों के समक्ष देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर व्याख्यान देंगी। इस सेमिनार में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, सह प्रभारी विवेक बंसल, ICC रणदीप सुरजेवाला सहित कई आला नेता शामिल होने वाले हैं। बताया ये भी जा रहा है कि राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया कोरोना से पहले और कोरोना के बाद की अर्थव्यवस्था को लेकर अपना व्याख्यान देंगी और विधायकों को किस प्रकार से जनता के बीच में जाकर अर्थव्यवस्था संभालने में नाकाम हुई मोदी सरकार की नाकामियों को लेकर जाना है, उस पर भी इस सेमिनार के दौरान चर्चा की जाएगी। ये सेमिनार तकरीबन 2 घंटे तक चलने जा रहा है, ये बात अभी सामने आ रही है। कांग्रेस नेताओं की माने तो नेताओं को पार्टी की रीति नीति और सिद्धांत बताने के लिए भी कई सेशंस होटल में रखे गए हैं। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी दिनेश कसाना फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, विधायकों के लिए यहां पर लगातार एक्टिविटीज आयोजित की जा रही है, इसी के तहत एक सेमिनार आज अर्थव्यवस्था को लेकर चर्चा होने वाली है, इसके अलावा क्या टेंटेटिव स्केड्यूल रहेगा पूरे दिन का? बिल्कुल, देखिए जैसे विधायकों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है, साथ ही दोपहर को बौद्धिक सेशन जो होता है उसके साथ ही शाम को मनोरंजन सेशन होता है। तो आज बौद्धिक सेशन में जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, उनकी ओर से ये अर्थव्यवस्था पर सेमिनार रखा गया है जिसमें वो अपना लेक्चर दे रही है। अभी शुरू हो चुका है, उनका लेक्चर हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी अविनाश पांडे सहित तमाम जो विधायक है वो इसमें मौजूद है। कांग्रेस की जो रीति नीति है उसको इस सेशन में बताया जाता है। पार्टी के जो विधायक हैं, निर्दलीय हैं, BTP के जो विधायक हैं वो इस सेशन में मौजूद रहते हैं। वहीं आज शाम को जो सभी विधायक हैं होटल में, उनको मूवी दिखाने का भी कार्यक्रम है। जी 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 जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सुनिए दिशांत, दिनेश।